आवाज आ रही होगी। मैं एक बार आपको बता दूं कि काफिला चल कैसे रहा है। सबसे आगे चल रही है ऑडी Q7 व्हाइट कलर की और पीछे चल रही है XUV500 व्हाइट कलर की। मम्मी रो पड़ी, रॉकी कनाडा जा रहा है तो मम्मी रो पड़ी। ऐसा क्यों भाई, आप क्यों रो रहे हो? और फोन जाते ही करते जा रहे हो उधर जाने का, हमारा भी तो फोटो ले लो इधर, रॉकी इधर देख। और हमारा सेलिब्रिटी इसमें जा रहा है रॉकी, ये जा रहा रॉकी। गाड़ी हमारी ये आ रही, मैं तो इतना भाग रहा हूँ कहीं लेट ना हो जाए। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा जा रहा है कनाडा। तो हाँ जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो ना सारे? अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम दोनों भाई जा रहे हैं एयरपोर्ट। आप लोग समझ गए होंगे एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, समझ गए ना? रॉकी की आज फ्लाइट है तो इस टाइम उसकी जो फ्लाइट एक्चुअली वो है सुबह 5 बजे की। तो क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट वीज़ा का ना इमिग्रेशन पहले होता है, और लोगों को अगर 3 घंटे पहले आना है तो इन लोगों को 4 घंटे मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो अब मैं और भाई निकल लिए हैं, नींद तो आ रही है मेरे को हल्की हल्की सच में, क्योंकि दिन में भी नहीं सोया मैं आज और रात को लेट सोया था तो वो नींद अभी पेंडिंग चल रही है मेरी। लेकिन ये है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, नींद को कर लेंगे थोड़ा सा काबू में ला लेंगे, थोड़ा रोक लेंगे, लेकिन रॉकी से मिलना ज़रूरी है क्योंकि आज वो जा रहा है। अब इंडिया में उसका आज लास्ट डे है, अब तो फिर कनाडा की लाइफ चलेगी उसकी। तो बस अब मैं और भाई जा रहे हैं और रोड बुरी खाली है। देखो सबसे बड़ी बात ये इस टाइम जाने की ना, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं है, देखो पूरा खाली खाली खाली। तो रोड सारी मेरे हिसाब से तो खाली मिलनी है, खाली मिलेगी ना भाई? हाँ तो ट्रैफिक तो होगा, हाँ तो इस टाइम तो कोई ट्रैफिक होगा नहीं बस। और एयरपोर्ट पे मिलेगा थोड़ा मोटा ट्रैफिक होगा, वो जब भी अगर कुछ मिलता है तो रास्ते में बनाते हैं भी और, ठीक है? बैरिकेडिंग वगैरह भाई साहब पूरी है, पुलिस पूरी चुस्त तंदुरुस्त रास्ते में। ये मत समझना कि भैया रात हो रही है तो कैसे भी निकल जाओगे, बॉर्डर पार कर लोगे। हाँ, नोएडा से दिल्ली का हमारा बॉर्डर बड़ी, अभी तो मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है, एकदम से मैंने कैमरा ऑन कर दिया, नहीं तो भैया बड़ी टाइट पुलिस लगी हुई थी पीछे, बैरियर 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 बैरियर। इतना आसान नहीं है बॉर्डर पार करना, कहीं हल्के में ले रहे हो इसको। हाँ ठीक है, अब पहुँचने वाले। ना ना कोई ना, चलो भाई चला जाए। फोटो ले लो इधर, रुक इधर देख। चलो भाई, मैं चल बैठ जल्दी। चलो जी अभी रॉकी बैठ रहा है, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट छोड़ने इसको। अब ये गाड़ियां जा रही हैं भैया, पहले ये निकलेगी फिर वो निकलेगी, हम लास्ट में निकालेंगे। और हमारा सेलिब्रिटी इसमें जा रहा है रॉकी, ये जा रहा रॉकी पूरे सायरन के साथ साथ, गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं भाई। बढ़ा के रख थोड़ा आवाज आ रही होगी। जब तक रॉकी आगे जा रहा है तब तक हम इतने मामी से ले लेते हैं रिव्यू। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा जा रहा है कनाडा तो कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही बस। और रुक जा, हाँ जी क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पा रही। कुछ तो कहना है आपने, भगवान उसको सही रखे।
और आप टीशा जी ऑल द बेस्ट और मिस्टर विले ऑल द बेस्ट वो खुश रहे ठीक है ये जाम में थोड़ा सा फंस गए अभी मैं एक बार आपको बता दूं कि काफिला चल कैसे रहा है सबसे आगे चल रही है फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर की ठीक है बीच में चल रही है ऑडी Q7 व्हाइट कलर की और पीछे चल रही है XUV500 व्हाइट कलर की और जो सबसे आगे फॉर्च्यूनर चल रही है उसमें सायरन बज रहा है पुलिस वाला तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई भी उस सायरन को सुनेगा ना पुलिस वाला भी चाहे तो वो सोचेगा कि पक्का कोई नेता जा रहा है क्योंकि बीच में ऐसी गाड़ी है सारी गाड़ियां वो है जो नेता जरूर यूज करते हैं और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप देखो यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं दबा के रात में ना तो जब वो सायरन सुनेंगे तो इजीली रास्ता दे देंगे ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो ये वाला दिमाग लगाया जिसने भी लगाया बहुत बढ़िया है और मतलब हमें भी ऐसी फील आ रही है कि हाँ कोई नेता का काफिला जा रहा भाई सच में ये देखो हेलो जी पहुंच गए जी अब एयरपोर्ट की एंट्री हो रही है और इतना टाइम लगा हमें बस बाद में बताऊंगा ये सारी बातें अभी पहले रॉकी हमारा वेट कर रहा है फटाफट पहुंचते हैं वहां पे ये देख लो हेलो आ गए डिपार्चर पे आ गए सारे अंदर भीड़ बहुत अभी आज ये देख लो वाला है यहीं से टाटा बाय बाय होगी दो बंदे वहां जाके छोड़ेंगे जब तक ये आ रहे हैं भैया मैं तो इतने खुद जाके बना रहा हूँ 7-8 गाड़ी हमारी ये आ रही मैं तो इतना भाग रहा हूँ कहीं लेट ना हो जाए कहाँ है रॉकी ये रहा वो रे गया क्या मोर रॉकी गया अच्छा ये रहा ठीक है आ रही है इतने आप कुछ कहना चाहेंगे इतना आ रहे हैं आगे पीछे भी नंबर कर सकते हैं नहीं आगे पीछे नंबर कर सकते हैं चलो अब बहुत हो गई इमोशनल ट्यून अब थोड़ा सा एयरपोर्ट की तरफ रुक करते हैं जब मैंने एयरपोर्ट को ध्यान से देखा अच्छा हुआ हम लास्ट गेट पे थे ये 1 से लेके 7 तक 6 तक एक्चुअली ये गेट यहाँ पे थे और इतनी भीड़ आपको और मैक्सिमम आपको एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि नहीं आप देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पंजाबी लोग दिखेंगे और सरदार देखो सच में मतलब जैसे कहते हैं कि पूरा पंजाब बाहर बसा हुआ है तो ये सच में देखो आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे आपको सरदार दिखेंगे और यहाँ पे लोग कनाडा ही ज़्यादा जा रहे थे फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी भाई साहब ये देखो कितनी ज़्यादा ट्रॉलियाँ आज इस दिन बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे एयरपोर्ट पे सबसे दिसंबर लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स रहती हैं बाहर की ये तो हो गया जहाँ पे
लोग जा रहे हैं जहाज से, ठीक है जी। और ये हो गया जो लोग आ रहे हैं बाहर से, इंटरनेशनल फ्लाइट जो आ रही है ना अराइवल, ये सारा अराइवल है, ये सारा ऊपर डिपार्चर है बताओ। और हमारे बंदे वो खड़े, अब रॉकी जा चुका है तो हमने ये सारे भी खड़े हैं। रॉकी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम यहाँ पे जैन चावल वाले हैं, ये शिवाजी पार्क के यहाँ हम यहाँ पे आ गए थे सारे। अब यहाँ पे सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी क्योंकि 2:30 बज रहे थे, तो सारे के सारे पराठे खा रहे हैं मज़े से। इसका भी एक अलग ही फन है, ठंड हो रही है लेकिन सारे अपना कोई पराठे, कोई राजमा चावल, कोई कढ़ी चावल, कोई चाय पी रहा है। और मैंने तो तुम्हें पता है हमेशा की तरह चाय पी है क्योंकि तुम्हारा भाई चाय लवर है, बाकी यहाँ पे सारे कुछ ना कुछ अपना खा पी रहे थे। मन कर गया अभी थोड़ी देर के लिए घर आ गए। अब ये निकल रहे हैं जी, साथ साथ ही हैं। ये देखो जी अभी जैसे चला रहा है ना ये मयंक, ठीक है अब तो चलता है। अब मैं बताऊंगा इसके पीछे की कहानी। अब हमने वहां पे खाना पीना खा लिया है, जिसको खाना खाना था, मैंने तो सिर्फ चाय पी है। और अब घर पे भी मिलनी है नाना नानी से, और रॉकी पहुंच गया है। अब 2-2.5 घंटे बाद उसकी फ्लाइट हो जाएगी, 5 बजे की उसकी फ्लाइट है। अब मैं बताता हूँ कहानी हुई क्या, हम कैसे लेट हो गए, नहीं तो और व्लॉग अच्छा बनता। हुआ क्या कि मयंक सबसे आगे हो गया बाद में, क्योंकि उसके पास ये था कि उसको रास्ता पता था तो वो आगे चला गया। अब मयंक हो गया आगे और हम रह गए पीछे। तो मयंक की भैया Q7 है, तो ऑब्वियसली जब Q7 है तो जब पंजा भगाएगा तो भागेगी बहुत तेज। तो मयंक अपना निकल गया आगे, हम भैया हम XUV500 वाले, तो हम क्या हुआ वहां पे ट्रक था, तो रात को तो ट्रक चलती है ना, तो हम ट्रकों में फंस गए और वो निकल गए आगे। और हमसे एक तो यार एयरपोर्ट की ना बड़ी दिक्कत है कि ये समझ में नहीं आती कि एयरपोर्ट है क्या। ये साले इतने टर्मिनल है ना, टर्मिनल 1, 2, 3, कोई राइट कोई लेफ्ट कोई कुछ दिखा रहा है, तो समझ नहीं आता। तो फिर हमने कहा कि यार थोड़ा धीरे चला यार, वीडियो में दिक्कत आ रही है ना, हिल रहे बार बार हाथ। तो फिर फ्लाईओवर पे तो खैर होना है, रिदम टूटवा दी यार तुमने, कहां था मैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे ये सब होता रहता है, नहीं ये सब नहीं होता, ये तो रोड पे होता है। कहां था मैं, टर्मिनल 1, 2, टर्मिनल, हाँ इतने सारे टर्मिनल है तो सालों को समझ में नहीं आता कहां से राइट। आपने एक टर्न छोड़ दिया ना बस कि आप राइट की जगह लेफ्ट हो गए, तो भाई दिक्कत आ जाती है चलाने में, गाड़ी वाड़ी पहुंचाने में बहुत सच में। तो हमसे वो टर्न मिस हो गया, और फिर उसके बाद जो टर्न था वो था आगे जाके 7.5-8 किलोमीटर बाद, और वहां पे पूरा ट्रैफिक, उस वजह से हम ट्रकों के उसमें लेट हो गए। नहीं तो मैं और अच्छा बनाता कि इसमें जब रॉकी निकल रहा है बैग पैक कर रहा है, बस ये भी अच्छा होगा कि हम टाइम पे पहुंच गए तो रॉकी दिख गया। अगर हम थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं ना, वो तो भाई ने गाड़ी बहुत तेज भगाई तो हम पहुंच गए, अगर हम और लेट हो जाते हैं तो हमें ये भी देखने को भी नहीं मिलता। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो सारी चीजें इसी बात पे छोड़ देता हूँ। तो बस अब अच्छा हुआ, चलो रॉकी चला गया, बढ़िया है, अब अपना लाइफ एंजॉय करेगा। बाकी बस मेरे को भी एक कंसर्न है, उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है रॉकी को ना, ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा हर बंदा होता है कि ना किसी की ना किसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ऐसे मुझे ठंड बहुत लगती है, तो ऐसे ही उसके साथ उसको ठंड बहुत लगती है। और अभी जब वो गया है तो हमने चेक करा है, -5 डिग्री टेम्परेचर है वहां का, तो परसों -13 होने वाला, और परसों बता रहे हैं कि वहाँ -13 होने वाला, हो सकता है स्नोफॉल वगैरह होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है।
बाकी ये है कि बस वो थोड़ा सा अपने आपको ना संभाल के रहे, ठंड की यही दिक्कत होती है कि पता नहीं चलता, हमें लगता है कि ठंड नहीं है और एकदम से ठंड लग जाती है। तो बाकी वो ध्यान रखे अपना, और बाकी कोई आप सब लोग उसके लिए विश करना कि वो जाएगा। और ठीक है मंकू, बाय बाय भाई। मयंक अपना चल दिया घर पे, ये तो डीएनडी पकड़ेगा, ये अपना डीएनडी से जाएंगे और हम अपना सीधा फ्लाईओवर पकड़ के यहाँ से। ये देखो जी, ये कैमरा ब्लर नहीं है, ये धुंध है। ये भाई रात के 3 बज रहे हैं ना, तो 3 बजे तो फॉग सही होता है, ये कुछ दिख नहीं रहा बोर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा। अब ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ये भैया कौन सा फॉग है। मम्मी रो पड़ी, रॉकी कनाडा जा रहा है तो मम्मी रो पड़ी। ऐसा क्यों भैया, आप क्यों रो रहे हो हैं? आप काहे के लिए रो रहे हैं जी? अरे भैया ये तो भयंकर आंसू से रो रही है मम्मी। तो भाभी ने अभी रील चला दी रॉकी की अपने इंस्टाग्राम पे, तो मम्मी रो पड़ी। ऐसा काहे भाई रॉकी? ओ ये यूवी दादी रो रही है आपकी, देखो चुप कराओ, चुप कराओ दादी को, चुप कराओ। पूछो रो क्यों रहे हो, पूछो रो क्यों रहे हो, पूछो। नहीं नहीं रो, अबे और रो रही है यार, चुप कराओ, बोलो दादी चुप, बोलो चुप। चलो गले लगाओ दादी को। पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता मम्मी ऐसे क्यों रो पड़ी एकदम से। उसकी रील चलाई भाभी ने इंस्टाग्राम पे और रो पड़ी। हालांकि 19 कितने 20 साल का है रॉकी, तो ठीक है यार, इतना तो बच्चा है यार, आज की डेट में इतना बच्चा हो जाता है अपना घूमने फिरने लायक। और ठीक है यार, बाहर निकलना चाहिए, अगर किसी को मौका मिल रहा है ना तो बाहर निकलो, एक्सप्लोर तो करो कम से कम यार। क्यों क्यों अभी बता, बोलो एक्सप्लोर तो करो ना यार, बता करना आप। अच्छा मैं जाऊं इधर 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 तो इधर इधर मैं जाऊं कनाडा जाऊं मैं घूमने जाऊं, बता ना, बता ना, बता बता बता। चाची को किसी कर दो। मैं इससे सुबह बोल रहा था, मैंने कहा मैं भी निकल जाऊं कनाडा, तो कह रहा नहीं। मैंने कहा प्लीज यार जाने दे, कह रहा नहीं नहीं अभी नहीं बोला। हैप्पी जनवरी भाई, खा लिया बस, चलो चलो। चलो बेटा एक बार भगवान के वहाँ पे चार बनाए, चलो चलो।